सिरमौर से ताल्लुक रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सुनील शर्मा ने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर 7500 फीट से 18000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ लगाकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। धावक सुनील शर्मा ने उत्तराखंड के वान गांव जो 7800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से रोंटी ट्रैक पर दौड़ लगाई है और 18000 ऊंचाई स्थित नंदा घुमटी पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर पहुंचे। आमतौर पर इस ट्रैक को पूरा करने के लिए 7 से 8 दिन का वक्त लग जाता है, मगर सुनील शर्मा ने अपने 3 साथियों के साथ इस ट्रैक के लगभग 100 किलोमीटर दूरी को 24 घंटे में पूरा किया। इस ट्रैक को देश का सबसे लंबा व कठिन ट्रैक माना जाता है। खास बात ये भी है कि सुनील शर्मा के साथ इस दौड़ को एक 19 वर्षीय लड़की भागीरथी ने भी पूरा किया है। निर्धन परिवार से ताल्लुक रखने वाली भागीरथी को सुनील शर्मा ने अब गोद लिया है। धावक सुनील शर्मा ने कहा कि उपलब्धि के बाद वह बेहद ही खुश हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 19 वर्षीय भागीरथी का हौसला देख उन्हें बेहद खुशी हुई है और अब वह उसे एक बड़े एथलीट के रूप में देखना चाहते हैं। सुनील के प्रयासों से अब उत्तराखंड के वान गांव की रहने वाली भागीरथी को नाहन कॉलेज में दाखिला दिया गया है। भागीरथी ने कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा से मुलाकात कर बेहद खुशी हुई और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि नाहन में दाखिला लेने के बाद वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी दौड़ की प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देंगी। निर्धन परिवार से ताल्लुक रखने वाली भागीरथी के पिता का उस समय देहांत हो गया था जब वह मात्र 3 वर्ष की थी। सुनील शर्मा के साथ भागीरथी को उसके गाँव से नाहन छोड़ने पहुंचे गांव निवासी वीरेंद्र पमोली ने बताया कि भागीरथी के नाम पहले भी कई उपलब्धियां दर्ज हैं। उन्होंने उम्मीद की सुनील शर्मा के मार्गदर्शन में भागीरथी नई मुकाम हासिल करेंगी। फिर यहां से हम वान गए जो एक इंडिया का लास्ट गांव पड़ता है, वान डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड में। वहां पे एक रूपकुंड बहुत फेमस है, जो इनका गाँव है वान, वो 7800 फिट के आसपास उसकी हाइट है और जो ऊपर रूपकुंड और रोंटी उसकी हाइट जो है 18000 फीट के आसपास है, जहाँ पे नंदा घुंटी और त्रिशूल पर्वत पड़ता है उसके बीच में वो ट्रैक है और वो इंडिया का सबसे टफेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रैक है। तो हम लोग वहाँ पे जितने भी ट्रैक हैं हम उसको वहाँ पे रन कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे वान गांव में पहुँचा तो सबसे पहले तो मैं वान वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने वार्म वेलकम और जो स्वागत वहाँ पर मेरा किया और जो मान सम्मान और जो खातिरदारी वहाँ पर मेरी हुई, उसके लिए मैं सभी वान वासियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं पर मेरी एक लड़की जो भागीरथी है उससे मुलाकात होती है। जब मैं वहाँ पे लोगों को बता रहा था अपने रन के बारे में, अपने जीवन के बारे में, तो मैंने देखा कि उसके आंखों में आंसू थे। मुझे पहले ही लग रहा था कि ये बच्चा, मैंने सुना था विक्रम से और कलम से कि ऐसे ऐसे एक लड़की हमारे गांव से जो बहुत अच्छा भागती है और 400 मीटर के ट्रैक में वो बाकी बच्चों को चार चार एक एक राउंड का गैप दे देती है। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो पिछले 8-10 दिन से जब वहाँ पर मैं रन प्रैक्टिस कर रहा था तो ये लड़की मेरे साथ ही रनिंग कर रही थी और मैंने और कलम ने जब डिसाइड किया कि हम जो रूपकुंड है वो काफ़ी टफ ट्रैक है, हमने 11 घंटे में उसको अप डाउन किया। तो सभी वहाँ के लोकल निवासी बड़े हैरान थे कि 11 घंटे में कैसे पॉसिबल है। फिर एक रोंटी ट्रैक पड़ता है उससे भी जो शायद 20 से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है, हमने डिसाइड किया कि हम पूरा ट्रैक 24 घंटे में अप डाउन करेंगे। तो उसके लिए हम जा रहे थे तो इस लड़की ने भी जीत की कि मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं बड़ा हैरान था कि जब हम 7 लोग जा रहे थे ट्रैक के लिए, 3 लोग पहले ही वापस मुड़ गए थे अगर रास्ते में से, बाकी 4 लोग हम जब आगे बढ़े तो 4 लोगों में से भी जो कलम इतना अच्छा एथलीट है उसकी भी हालत बहुत बदतर हो चुकी थी। उसको वॉमिटिंग हो रही थी, उसकी तबीयत खराब हो रही थी और एक उदय तो उसको उठा के लाना पड़ा हमें, इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में रन करना बहुत मुश्किल होता है, वॉक करना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं इस लड़की को देख के हैरान था कि जितना रन हमने किया ये पूरा हमारे साथ चलती रही और इसको बिल्कुल भी थकावट नहीं थी। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैं एक भविष्य का बहुत बड़ा एथलीट देख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बच्ची को मैंने अडॉप्ट किया है और मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खेलेगी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। अभी तो मैंने नाहन कॉलेज में मैं जो यहां पे डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी प्रिंसिपल साहब, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और विक्रम मिश्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इसकी एडमिशन करने में बहुत हेल्प की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सिरमौरी जीता सम्मानित महोदय सुनील शर्मा जी का। वह हमारे गाँव में आए, उन्होंने जब देखा कि एक बालिका, एक जो निर्धन असहाय परिवार की लड़की है कुमारी भागीरथी, यह एक बहुत गरीब घर से है और इस लड़की ने आज तक अपनी इस छोटी सी उम्र में अंडर 14, 15, 16 में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के गेम खेले हैं और रनिंग में यह लड़की स्टेट तक पहुंची है और इस लड़की ने जो रूपकुंड ट्रैक पड़ता है हमारा बहुत बड़ा 18000 फीट की ऊँचाई पर है, इन्होंने सुनील शर्मा जी के साथ उस ट्रैक को किया और 36 घंटे में वापस आई
और जब सुनील शर्मा महोदय ने देखा कि इस लड़की के अंदर क्वालिटी है, यह लड़की देश और प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकती है, तो वह अपने साथ ले आए। और इस लड़की ने बहुत मेहनत करी है अपने जीवन में, और हमें आशा ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी हैं इस बालिका पे, यह पूरे देश का नाम रोशन करेगी, उत्तराखंड का नाम रोशन करेगी और बहुत जल्दी हो इंडिया खेलेगी। और सुनील सर हमारे गांव में आए थे और इन्होंने बताया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय धावक हूँ, और मुझे भी इनसे बहुत ऐसा लगा कि हमें भी करना चाहिए। और मैं थोड़ा बहुत पहले से भी बिना प्रैक्टिस के जाती थी, स्टेट में गई और इनके साथ एक ट्रैक किया हमने, जो सबसे लॉन्गेस्ट एवं टफेस्ट ट्रैक है, और इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और इन्होंने बताया कि मैं आपका एडमिशन नाहन में करा दूंगा, मैं यहाँ पढ़ाई भी करूँगी और अपनी रनिंग की तैयारी भी करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं सुनील सर का नाम रोशन करूँ और पूरे देश का नाम रोशन करूँ।